सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि फ्री फायर में जो गेस्ट आईडी होता है, गेस्ट आईडी को आप कैसे फेसबुक कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि गाइस जब हम शुरू में खेलना शुरू करते हैं तो हम लोग गेस्ट आईडी से खेलते हैं, और कई बार खेलते खेलते वो आईडी हमारा मेन आईडी बन जाता है। तो अगर आप गेस्ट आईडी को फेसबुक से लॉगिन नहीं करोगे तो आपका जो आईडी है वो कभी भी जा सकता है। क्योंकि गाइस कई बार क्या होता है, मान लीजिए अगर आप लॉग आउट करके कुछ दिन गेम नहीं खेलते हो तो गाइस उसके बाद जब आप गेस्ट आईडी ओपन करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस यही होता है कि आपको वो आईडी नहीं मिलता, आपको एक नया आईडी मिल जाता है जिसमें कुछ भी नहीं होता है। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में समझाऊंगा कि कैसे आपको फेसबुक को बिल्कुल वैसी तरह से लॉगिन करना है, और मैं आपके सामने करके भी दिखाऊंगा फेसबुक से कनेक्ट। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको मेरे सामने यहाँ पे एक गेस्ट आईडी को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको फेसबुक से लॉगिन कैसे करना है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा आईडी जो लॉगिन हो रहा है। यहाँ पे नेटवर्क थोड़ा स्लो है इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो जैसे आईडी ओपन करोगे तो आपके लिए नेम लिखने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना नेम, यहाँ पे अपना चैनल का नेम डाल देता हूँ कि रिवाइवर। उसके बाद गाइस आप देख सकते हो इसको कंफर्म करते हैं। तो कंफर्म करने के बाद गाइस सिंपली ये बहुत ही आसान बात है कि ये होने नहीं वाला, क्योंकि इसके पास कुछ लगाना पड़ता है। तो गाइस आप देख सकते हो अभी ये ओपन हो चुका है, ये मेरा गेस्ट आईडी है, मैंने अभी के सामने ओपन किया। अभी बात करते हैं इसको फेसबुक से लॉगिन कैसे करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोने में सेटिंग दिख रहा होगा, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, उस पर थोड़ा सा ऊपर उठाना है। तो जैसे ही आप ऊपर उठोगे तब देख सकते हो यहाँ पे बाइंड फेसबुक यहाँ पे लिखा हुआ है, और गूगल से भी कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगा। तो गाइस आप देख सकते हो उसके ऊपर जैसे ही टैप करोगे तो आपके पास एक फेसबुक का आईडी होना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ आपको कि फेसबुक का आईडी कैसे ओपन करना है वो आपको पता होगा। तो आप उसी तरीके से फेसबुक का आईडी ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पे उसको जैसे ही आप डालोगे तो थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है, क्योंकि गाइस यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होता। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा हो चुका है यहाँ पे कि कैसे आपको लॉगिन करना है, अभी ये हो चुका है। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैं वापस से ये ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद गाइस मैं आपको दिखाऊंगा कि ये हमारा जो है फेसबुक से कनेक्ट हमारा गेस्ट आईडी हो चुका है। एक बात और गाइस, जिस फेसबुक आईडी से आप अपने गेस्ट आईडी को लॉगिन करोगे उस आईडी से पहले फेसबुक से कोई भी अकाउंट खोला हुआ नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, जिस फेसबुक से आपने कभी लॉगिन नहीं किया होगा फ्री फायर में। तो गाइस आप देख सकते हो अभी ये हमारा हो चुका है। उसके बाद गाइस मैं आपको यहाँ से सेटिंग में ले जाकर दिखा देता हूँ कि वो वाला ऑप्शन अभी हमारा यहाँ से जा चुका है, क्योंकि गाइस हमने उसको कंप्लीट कर लिया है। अब मैं इसको किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए हमारा हो चुका है लॉगिन। तो गाइस यही था इसका छोटा सा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करके दोस्तों को बता देना अगर दोस्तों के पास की ऐसी आईडी है। तो एक बात और गाइस ख़त्म करने से पहले मैं बता दूँ, गूगल से फ्री फायर का आईडी कैसे ओपन कर सकते हो और ऐसे जैसे फेसबुक से कनेक्ट किया वैसे गूगल से कैसे कनेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर भी एक वीडियो लाने वाला। तो गाइस यही था इसका छोटा सा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।